ओके हम बात कर रहे हैं एग्जांपल 3.1 की वर्कशीट। तो इसको इस प्रॉब्लम को हम लोग कई बार रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं और कई बार रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और ये वेक्टर के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स में से एक है, मतलब जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं उनमें से एक है। अब क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल करूँगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है और दमदार कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके क्वेश्चन का कहना है, एग्जांपल 3.1, अ रिवर स्ट्रीम्स फ्लो एट ए रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बना लीजिए, वी ए आर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। और याद रखिएगा कि रिवर हमेशा जो बहती फ्लो होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। जब तक बोला नहीं गया है तब तक आपकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी। जैसे आपसे बोला जाए वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भैया रिवर ऑफ ए स्ट्रीम फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर जो है 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है। इन विच डायरेक्शन शुड अ स्विमर स्विम, एक स्विमर को किस डायरेक्शन पे छपा किसमें लगाना चाहिए कि वो जो है रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम पे पार कर जाए, सबसे कम समय में पार करेगा। ओके सबसे कम समय में पार करेगा। बच्चों देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्मेट में अगर आप लेते हो तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब अगर हम चाहते हैं कि टाइम जो है कम से कम हो, अगर हम चाहते हैं कि टाइम कम से कम लगे, तो हमारी कोशिश क्या होगी, टाइम कम से कम लगने के लिए जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होनी चाहिए, मतलब हमको डिस्टेंस को कम से कम रखना है। बोलो यस कि नो। यस सर। अगर हम चाहते हैं टाइम कम से कम लगे तो डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम क्या सिचुएशन लेके हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। ये सिचुएशन ये है कि मान लो ये नदी के दो बैंक्स हैं, ये नदी का बैंक नंबर एक है, नदी का बैंक नंबर दो ये है। ओके इनको आप घाट भी बोल सकते हो, नदी के दो घाट हैं। एक और नदी की जो स्पीड है वो पानी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो नदी का जो पानी है वो 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो इस तरफ, इसको ईस्ट बोलते हैं हम लोग फिजिक्स की भाषा में, ये ईस्ट होता है, ये इधर वाला वेस्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ एंड दिस इज टर्म इज साउथ। सो वी हैव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये है भाई अपने पास, क्या सीन बन रहा है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर से पानी जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड अ स्विमर स्विम, एक स्विमर यहाँ से कूदता है और उसे चाहिए कि वो सबसे कम समय में इधर पे पहुँच जाए इस तरफ। अच्छा इस तरफ पहुँचने का मतलब इस तट पे पहुँच जाए, इस बैंक ऑफ द रिवर पे पहुँच जाए। अब चाहे वो इस पोजीशन पे पहुँचे, चाहे वो बिल्कुल अपोजिट पहुँचे, चाहे वो यहाँ पहुँचे, या चाहे वो आगे कहीं पहुँचे, घाट तो घाट ही है, अपोजिट बैंक यानी अपोजिट बैंक है, तो अपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहता है तो आपको बताना है कि अगर वो सबसे जल्दी पहुंचना चाह रहा है, मतलब टाइम कम हो, सबसे लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम के लिए उसे जो है कैसे, किस डायरेक्शन में उसे कूदना पड़ेगा, उसे कैसे कूदना पड़ेगा। ओके लीस्ट डायरेक्शन के लिए तो मैं आपके सामने 3 डायरेक्शन पहले बता देता हूं जो आपको दिमाग को थोड़ी सी क्लिक करे। हो सकता है कि वो बंदा ऐसे कूदे, स्विम करना शुरू करे। अब ध्यान से देखिए दो चीज़ें हैं, पानी का भी फ्लो सेट है, मतलब पानी अपने तरफ उसको धकेलेगा। तो एक तो तरीका है वो ऐसे कूदे छपाक, एक तरीका है वो ऐसे कूदे छपाक, और एक तरीका है वो ऐसे कूदे छपाक।
चलिए आप मुझे बताइए कि वो किस डायरेक्शन में पॉसिबली कूदना चाहिए उसे, ऐसे कूदना चाहिए, ऐसे कूदना चाहिए या ऐसे कूदना चाहिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए इसको नाम दे दिया मैंने, बी इसको नाम दे दिया, सी। बताइए आपका मन क्या कह रहा है। अगर वो चाहता है मैं सबसे कम समय में ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, ही वॉन्ट टू रीच ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, देन इन वॉट डायरेक्शन ही शुड डाइव ऑफ द फॉलोइंग थ्री सिचुएशन। आंसर गाइज, बी में आपका कहना है कि सर बी डायरेक्शन में कूदवाओ इसको। ओके ठीक है, एक डायरेक्शन आपने कहा, सर बी डायरेक्शन में कूदवाओ। अब देखो परी अगर बी डायरेक्शन में कूदता है तो होगा क्या, देखो बी डायरेक्शन में यदि कूदेगा तो होगा क्या, परी अगर ये बी डायरेक्शन में कूदेगा बंदा, तो ये इसने छलांग ऐसी मारी, बोलो यस, लगा दी छलांग ऐसी, और इस पर इसकी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, ये इसने तो ऐसे कूदा है, बट इस पर साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पर नदी की वेलोसिटी इस तरफ एक्ट कर रही है, जो है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर की। तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, मैंने आपको पढ़ाया है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम में, उसी पे चला जाएगा। अगर ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं से जाता है, और उसको पैरेललोग्राम बनाओ, तो मैं पैरेललोग्राम यदि बनाता हूँ तो जितना भी है हाँ सी की डायरेक्शन में जाएगा। अगर मेरा वैक्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो ये मैंने इसको शिफ्ट किया तो मेरा ये वैक्टर यहाँ जाएगा। ओ बताइए ये हो गया, ए पे कूदना चाहिए उसको। क्या आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल मतलब इस टाइम में आपको लग रहा है कि ये मतलब सबसे कम टाइम लेगा, सिचुएशन सही है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस तो कम नहीं है, ये तो बढ़ गई डिस्टेंस। यस सर, ये तो बढ़ गई डिस्टेंस, मतलब एक्चुअली जो ये जो पाथ है ये रिजल्टिंग पाथ है, और ये पाथ तो बढ़ गया। क्यों क्रिश, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। तो बेटा ये पाथ तो बढ़ गया, तो बताओ डायरेक्शन में कूदना चाहिए। अच्छा अगर इधर कूदेगा फिर तो और जाके आगे आगे जाके गिरेगा। नॉर्थ वेस्ट में कूदना चाहिए उसको, इस डायरेक्शन में कूदना चाहिए। यस, ऐसे कुछ कूदना चाहिए बैक साइड। मैं पूरा डायग्राम बनाता हूँ फिर से क्लियर करके। तो एक तो सिचुएशन आपने देखी कि ऐसे कूदा तो गड़बड़ हो गई, तो कैसे कूदेगा भाई, देखो ठीक है ना, उसे ऐसे कूदना चाहिए, यूं यूं करके कूदना चाहिए ऐसी। अब यूं करके कूदेगा तो क्या फायदा होगा, देखो ये नदी थी, ये ऐसे कूदा, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द डाइवर या मैन, और ये क्या है, इस तरफ लग रही है क्या, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो आपको मैंने ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था कि दो लगातार का सम जो होता है तीसरे वाले का अपोजिट का उल्टे डायरेक्शन में होता है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। हाँ अब देखो, मतलब यदि ये ऐसा कूदेगा तो इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो ये होगी। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, और अगर इसकी रिजल्टिंग डायरेक्शन ये बनेगी तो ये सबसे कम समय में पहुंच जाएगा, तो मतलब उसे इस तरफ कूदना पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्वेश्चन था, जैसे जो बी ए की तरफ कूद रहा है तो उसको अपन रिजल्टेंट मान के उसके कंपोनेंट कर देंगे तो कॉस कंपोनेंट उसकी डिस्टेंस निकल आएगी। हाँ, वो ऊपर की तरफ डिस्टेंस निकल आएगी, बिल्कुल सही, कि ऊपर की तरफ वो कितना डिस्टेंस चल गया अलोंग ए बी, अलोंग ए बी है ना, हाँ बिल्कुल सही, अलोंग ए बी जो कंपोनेंट निकलेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर का कॉस कंपोनेंट ये जो निकलेगा है ना। अब देखते हैं थीटा है कहाँ, अगर आप थीटा ये मानते हो उस समय ये जो कंपोनेंट निकलेगा सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अच्छा। शायद भूले नहीं होगे 10th क्लास में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के लिए बन जाएगा वी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ सर, अपॉन क्या, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, ये अपने पास ये मैन की वेलोसिटी, समझ में आया? यस सर, क्लियर, ये हाइपोटेनस है मैन की वेलोसिटी, और ये क्या है भाई, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। तो तुम ये जो कह रहे हो अक्षत की, सर ये डिस्टेंस निकल आएगी, नहीं वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का वेक्टर है। हाँ, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस निकल आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकलेगी क्योंकि ये वेक्टर वेलोसिटी का है। यस सर, अब सुन में
आ गया। चलो तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ठीक है, आइए देखते हैं। पढ़ो अक्षत, इन फिगर 3.17। In figure 3.17, let BC and OA be two parallel banks of the river, and let the vector OA represent the velocity of the stream so that OA equal to 2 km per hour. चलो भैया देखो, रुको 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 भाई, पैराग्राफ के बाद एक सेकंड का पॉज लिया करो। तो भैया यहाँ पे देखो, आपके पास जो है दो बैंक हैं, एक है बैंक OA और एक है बैंक BC। ये बड़ा बड़ा बैंक बना लो ऐसा। अब जो रिवर है वो OA डायरेक्शन में भाग रही है, ठीक है, ये ओए डायरेक्शन में रिवर भग रही है। और अगर बंदा आप क्रॉस करना चाहता है तो इसको शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पहुँचना पड़ेगा, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। पढ़ो, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम द स्विमर मस्ट स्विम इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग मे बी ओ बी सच दैट द रिजल्टेंट और फाइनल डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम अकर्स आउट टू बी ओ सी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक ओए। रुको, ये कह रहा भाई साहब कि अगर वो चाहता है कि रिजल्टेंट ओसी निकले जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो रिजल्टेंट को ओसी निकालने के लिए जो कंडीशन बनेगी वो ये है कि आपका जो वो जो डाइव मारे वो इस डायरेक्शन में मारे, क्योंकि ओबी का और ओए का जो, देखो पैरेललोग्राम लॉ मैंने सिखा दिया है, जो लोग पढ़ लिए हैं पैरेललोग्राम लॉ उनको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा कि ये ओए है और ये पीछे की तरफ जा रहा है ओ बी, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो दोनों के डायगोनल को मिलाते हुए निकलेगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा हाँ। तो इस तरीके से ये जो रिजल्टेंट है इसका ये ऊपर की तरफ जाएगा और वही तो है हमारी नेट 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 वेलोसिटी, ठीक है ना। तो सवाल उठता है कि कितने पे उसको छपाक मारनी पड़ेगी, ये एंगल थीटा है। तो अब एंगल बताना है हमें थीटा कि ये एंगल कितना है। अब तो देखो भैया एंगल कहाँ से बताना है, क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इट इज़ गिवेन दैट द स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ले भाई, पानी के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है ये 4 है, ये जो स्विमर की स्पीड है वो 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाला जो वेक्टर है ऊपर बन रहा है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये जो नीचे है ये कितने किलोमीटर पर आवर बोटो, 4। बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे डायग्राम में अभी तो बताया, ये जो ऊपर जा रहा है बच्चों, ये कितना वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये 2 का इसका मैग्नीट्यूड। मतलब यदि आप इसे ले लो वी ए तो ये 2 मैग्नीट्यूड का है और ये कितने का है, 4 का है। क्लियर? यस सर। हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन स्विमर शुड स्विम इन ऑर्डर टू क्रॉस द डायरेक्शन। तो कह रहा है बताओ इसको कितने पे स्विम करना पड़ेगा, हमको एक बताना है कि इसको कितने पे स्विम करना पड़ेगा। तो पहले मेरा वाला डायग्राम देख लो, बिल्कुल सिंपल, ये 2 है ये 4 है, ये एंगल मुझे पता लगाना है कि ये एंगल कितना है, थीटा। देखो परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। बच्चों थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 30 डिग्री। समझ गए? यस सर। मतलब इसको 30 डिग्री नॉर्मल जो है एकदम सीधे से 30 डिग्री छपाक माननी पड़ेगी। अब सीधा तो अपन को पता कि सीधा क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, भाई यहाँ से इसको नॉर्थ से, हाँ बिल्कुल सही, ये नॉर्थ होता है तो नॉर्थ से इसको 30 डिग्री छपाक माननी पड़ेगी। यहाँ पे 30 डिग्री है, हमें पूरा बताना है कि पूरा कितना, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही चीज़ उपलब्ध है इस क्वेश्चन में, वो है पानी की डायरेक्शन, रिवर की डायरेक्शन, जो कि रिवर की डायरेक्शन जिसमें 2 किलोमीटर पर आवर का पानी फ्लो कर रहा था। तो 30 ये है और 90 ये है, तो भैया 90 + 30 टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। तो मतलब रिवर की डायरेक्शन से हमें कितने पर इसको छपाक मानना पड़ेगा, 120 डिग्री से। मतलब ये रिवर जा रही थी, ये रिवर जा रही थी। सर अपन सीधा नहीं कह सकते कि नॉर्थ वेस्ट में 30 डिग्री? देखो बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, इसके ये भी बोल सकते हो। यस सर। कि तो मतलब फिजिक्स में कोई गलत आंसर नहीं कह सकता है ना, फिजिक्स फिजिक्स की कॉपी वही चेक कर सकता है जो फिजिक्स अच्छा पढ़ाता हो या पढ़ा हुआ हो। ये थोड़ी ना कि आपने कह दिया कि 30 डिग्री लिख दिया और कोई डायरेक्शन नहीं लिखी तो भी गलत है। 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ,
ड्यू नॉर्थ, है ना, ड्यू नॉर्थ ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्टली लिख सकते हो तो ऐसा लिखना है, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वाटर, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर, यस क्योंकि ये 120 डिग्री यहाँ कहीं पर सेट होगा, समझ में आया ना, तो ये यस पानी सर, जा रहा है, ये इधर छपाक मार दिया, तो जो रिजल्टेंट सेट हुआ इसका पैरेललोग्राम लॉ से, समझ गए ना, पैरेललोग्राम लॉ यस से सर, इसका यस सर, रिजल्टेंट बना लो, और यहाँ कहीं इसका रिजल्टेंट चला गया जो अपन को चाहिए था, बोलो क्लियर। यस सर, क्लियर। चलिए तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया एंगल, फिलहाल एंगल पूछा गया था, फिलहाल इसमें एंगल पूछा गया था। अब बोल दे कि बताइए कि वो जो मैन है उसकी अपेरेंट स्पीड क्या होगी। देखो समझना अच्छे से, बहुत चीजें हैं, पानी बह रहा था यूं, पानी बह रहा था कितने से, इधर से 2 किलोमीटर पर आवर, छपाक उसने मारी यू, कितने से छपाक मारी है, 4 से, बोलो हाँ यस बोलो, सर, छपाक 4 से मारी है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, पानी और छपाक के बीच का 120 डिग्री, 120। ठीक है ना, 120 डिग्री है, और आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी आपसे पूछ ली गई कि बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो तरीका मैंने बताया था ना, पैरेललोग्राम ड्रॉ ड्रॉ करो, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हुआ और दोनों को मिला दो, तो फिलहाल ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया है, एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री पर सेट करके पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसा कहीं पर आएगा, ये लो, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर सर, हाँ तो आपको निकालना, परी क्लियर की नॉट क्लियर, तो यस सर, परी देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको याद कीजिए मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, वी रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आप बता सकते हैं ये किस वेलोसिटी से इधर की ओर भागेगा, मतलब पानी भाग रहा 2 से, ड्राइवर कूद रहा 4 से, तो ड्राइवर तो कूदा ना 4 से, उसको खुद से कूदा है, बट वो 4 से थोड़ा ना ट्रेवल करेगा, क्योंकि पानी का भी तो इफेक्ट ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ, यस सर, तो पानी का इफेक्ट ऐड होने के बाद उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या 4, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 16, टू 16। इंटू ए का 2a मतलब 2 और बी का मतलब 4, और कॉस थीटा बताओ थीटा कितने डिग्री यूज होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, तो कॉस 120, वेरी गुड बेटा, -1/2, ओके कॉस 120 डिग्री, अभी रट लो बच्चों, 120 डिग्री कॉस का कितना होता है -1/2, ये रट लो अभी, चलो काटाकुटी करो, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ओके ऊपर हो गया 16 और 4 20, और 2 × 4 कितना 8, वो भी माइनस का 8, आंसर 20 में से 8 गए, अंडर रूट 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी 2√3 किलोमीटर पर आवर, नोट कर लीजिए ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, हालांकि पूछी नहीं है रिजल्टेंट वेलोसिटी, फिर भी मैंने निकलवा दी कि अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले कि बताओ पानी बह रहा 4 से, इंसान बह रहा और उसने छपाक मारी है 4 से 4 से, तो बताओ जो जिस वेलोसिटी से वो जाएगा आगे की तरफ परपेंडिकुलर एकदम सीधे, वो वेलोसिटी क्या होगी, तो ध्यान से देखो ये 2 और 4 के बीच में है 2√3, सर ये समझ गया टू ना, थ्री तो बिना उसके भी निकल आती, मतलब सीधे पाइथागोरस लगा देते अपन ट्रिग्नोमेट्री की जगह। अच्छा निकल आती, हाँ लगा के देख लो पाइथागोरस, लगा भाई मेरा साहब टू थ्री नाइन्टी पहले डिग्री आंसर आ गया नहीं, था, 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे, आप पाइथागोरस लगा लेंगे क्यों सर, 90 डिग्री क्यों नहीं है, भले ही बोला नहीं है लेकिन है तो वो 90 डिग्री ही, अच्छा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री होती है, एक मिनट एक पढ़ाई मिनट है, एक मिनट, लगाओ पाइथागोरस, किस में लगाओ पाइथागोरस बताओ जरा, 4 में और 2 में, हाँ 4 में और 2 में लगा के देखो, कभी नहीं आएगा, 4 हाइपोटन्यूज है और 2 एक उसकी हाँ हाइट है, तो देखो 4 का हाइप, अच्छा 4 हाइपोटन्यूज है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 हाइपोटेनस है और 2 इसकी हाइट है, अच्छा तुम भाई साहब तुम ये कर रहे हो, तुम जुगाड़ के तुम ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा रहे हो पाइथागोरस, ये बोलो, हाँ 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 यस सर, ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है ठीक है, तो ये भी एक फिजिक्स का आपने एप्लीकेशन कर लिया, आपने मुझे ये कहा कि सर हम तो एक काम करो आप इस वाले में डायरेक्टली लगा लो, हाँ तो ठीक है बिल्कुल लगा सकते हाँ हो, यस बिल्कुल लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना, बिल्कुल इसमें सर, पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगी,
अब मैं तो ये कहूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एंगल आपको पता चल गया कितना, 30। यस सर, अब ये यस सर, 30 है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस भी क्या है, बेस है। ये बेस ही तो है, मतलब आपको बेस ही तो निकालना है। यस अरे सर, ये चीज आपको बेस निकालना है तो कॉस थीटा जिंदाबाद, कॉस यस थीटा सर, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो। हाँ, हाइपोटेन्यूज, एंगल यस कितनी डिग्री, सर, 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, कॉस 30 इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। और बेस कितना है यहाँ पे, बेस पता नहीं है, इसको एक्स मान लो, एक्स मान लिया, और हाइपोटेनस कितना है, 4, तो 2 से क्या कैंसिल, 2 बार, लियो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 2√3। तो सर अपन ये रिजल्टेंट वाला नाटक करो ही नहीं सीधे, या तो पाइथागोरस लगा दो ट्रिग्नोमेट्री मर्जी का। आपकी, नहीं वो देखो, वो मैंने कहा ना, जो दिमाग में चल गया बंदे के वो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, यस समझ गए यस ना। सर, बट आपकी कॉपी फिजिक्स यस का टीचर सर, चेक करेगा तो उसको पता है कि कहीं से भी आंसर निकाल लो आंसर सेम आएगा, है ना। बट यस इसमें इस सर, क्वेश्चन में केवल आपसे 30 डिग्री, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए, अभी भेजिए, इसमें क्या यस क्या सर, निकालना अच्छे से लिख करके भेजना है। एक तो आपको भेजना यस डायरेक्शन, सर, एक तो आपको बतानी है डायरेक्शन, किस एंगल पे वो छपाक मारेगा, पानी की डायरेक्शन से और नॉर्थ की डायरेक्शन से, दो डायरेक्शन बतानी है। दूसरा आपको बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, दूसरा आपको बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके यस सर, चलो करो, दूसरा आपको बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तीसरा, अगर आपको ये दिया गया है कि दोनों पानी के इधर की जो दूरी है वो 20√3 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, 20√3, तो बताना है आपको टाइम कितना लगेगा, कैसे लगेगा भाई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कौन सी है, 20√3, बोलो। हाँ, यस सर, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली वेलोसिटी, यही तो आई है स्पीड, 2√3, 3, है ना। तो ऊपर क्या है, किलोमीटर, कह और रहा नीचे जाएगा क्या है, आंसर 10 सेकंड। किलोमीटर पर आवर, रूट थ्री से रूट अच्छा, थ्री कैंसिल, आंसर कितने आवर, 10 घंटे, दस 10 घंटे में वो आवर्स पार कर लेगा। चलिए, तो ये मैंने वाह, क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया कि भैया अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस मैंने जानबूझ करके आपको दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर 20 किलोमीटर है, तो बताइए इस बंदे को इस सिचुएशन में नदी पार करने में कितना समय लगेगा। चलो, समझ में आ गया, यस सर, आ गया सर, चलिए करिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो अच्छे से कॉपी में। क्वेश्चन लिखना, अभी आप लोग नए नए हो, है ना, मतलब ये समझ लो कि अभी अपन फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब सीखना पड़ेगा उड़ना कैसे है ना, अंडे से निकले हुए एकदम समझ लें अपने आप को। और इसका पहले क्वेश्चन यस लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद ये थ्योरी पूरी कर लो, देखो बैंक रिवर ए। अब इसको पूरा करने के बाद आप अपने तरीके से, जो आपका तरीका मन करे वैसा, आप मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी दिखाओ बना के, सॉरी रिलेटिव नहीं निकलेगी यहाँ पे, निकलेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, टाइम निकलेगा और साथ में एंगल निकलेगा, ये तीनों चीज़ करके आप भेजेंगे। क्रिश, समझ में आया कि ऊपर से गया? ये सर समझ में आ गया। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जेई लेवल्स का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, तो इसको करिए यस आप, सर, ठीक है ना। चलो इसको करो, और जो मैंने आपको थ्योरी शीट भेजी है इसकी, यूएसएस की, उसमें लास्ट में यस सर, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पंगा दिया हुआ है, तो अब आप लोग उसको पढ़ोगे तो आप लोग को और भी अच्छा समझ में आएगा। चलो खैर, वो बात की बात जी है, पहले सर, तो ये करो, ये जी क्वेश्चन सर, करके भेजो अच्छे से, पहले मैं देखूँ।